गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्टैंडर्ड फर्स्ट के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर 5 के बारे में बताऊंगी। हमारा चैप्टर 5 का नाम क्या है? नंबर्स अप टू 20। तो हमने आगे क्या देखा था? 10 तक के नंबर्स देखे थे, फिर उसके स्पेलिंग देखे थे, फिर उसका एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, उसका असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, हम अरेंज कैसे कर सकते हैं, वो सब हमने आगे पढ़ लिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि 20 तक के नंबर पढ़ना, यानी कि 11 से लेके 20 तक। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, देखो, श्याम कलेक्ट सम स्टिक फ्रॉम द गार्डन। श्याम ने गार्डन में से कुछ स्टिक कलेक्ट की है। ही वॉन्ट्स टू काउंट देम, यानी कि उसको काउंट करना चाहता है। बट ही नोज द नंबर अप टू 10 ओनली, यानी कि उसे क्या पता है, 10 तक के नंबर ही पता है। पुनीत हेल्प हिम टू काउंट द स्टिक, तो पुनीत हेल्प कर रहा है उसको स्टिक को काउंट करने के लिए। फर्स्ट ही काउंट 10 स्टिक एंड मेक्स अ बंडल ऑफ देम, यानी कि सबसे पहले वो क्या करता है कि 10 स्टिक काउंट करके उसका एक बंडल बना लेता है। नाउ ही स्टार्ट टू काउंट द रिमेनिंग स्टिक, यानी कि अब वो रिमेनिंग एक बंडल बना लिया 10 का, उसके बाद जो बची है उसको एक एक करके काउंट कर रहा है। तो सबसे पहले ये 10 का बंडल, फिर एक स्टिक, यानी कि 10 1, यानी कि 1 10 एंड 1 1, 1 10 एंड 1 1, तो उसका मतलब क्या हुआ, 11। और उसको कैसे लिखते हैं, 1 1, यानी कि 11। फिर नेक्स्ट क्या है, एक बंडल 10 का और 2 स्टिक है, तो 1 10 एंड 2 1s, तो 1 10 एंड 2 1s का मतलब क्या हुआ, 12। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 1 2 का मतलब क्या है, 12। आप लोगों को यहाँ पे स्पेलिंग ध्यान से देखना है, 11 का स्पेलिंग क्या है, ELEVEN, इसका मतलब 11, ELEVEN, 11, TWELVE, 12, क्या है, TWELVE, 12। फिर नेक्स्ट क्या है, 10 का बंडल और 3 स्टिक, यानी कि 1 10 एंड 3 1s, तो 1 10 एंड 3 1s का मतलब क्या हुआ, 13। 13 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 3, तो 11, फिर 12, फिर 13, तो 1 3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 13। 13 का स्पेलिंग क्या है, THIRTEEN, THIRTEEN, 13। फिर नेक्स्ट क्या है, 10 प्लस 4 स्टिक, यानी कि 1 10 एंड 4 1s, 1 10 एंड 4 1s का क्या होता है, 14। 14 को कैसे लिखते हैं, 1 4 14, और यहाँ पे इसको वर्ड में कैसे लिखते हैं, FOURTEEN, FOURTEEN, क्या हुआ, 14। फिर नेक्स्ट क्या है, 10 का बंडल और 5 स्टिक, यानी कि 1 10 एंड 5 1s, 1 10 एंड 5 1s का मतलब क्या होता है, 15। तो उसको कैसे लिखते हैं, 15, यानी कि 15। तो उसको वर्ड में कैसे लिखते हैं, FIFTEEN, 15, FIFTEEN, 15। फिर नेक्स्ट क्या है, 10 का बंडल और 6 स्टिक्स, तो 1 10 एंड 6 1s, 1 10 एंड 6 1s, तो उसको क्या बोलते हैं, 16, 1 6, उसको क्या बोलते हैं, 16। और वर्ड में कैसे लिखते हैं, SIXTEEN, SIXTEEN, 16। नेक्स्ट क्या है, 10 का बंडल 7 स्टिक, यानी कि 1 10 एंड 7 1s, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 7, तो 1 7 को कैसे वर्ड में लिखते हैं, 17, SEVENTEEN, SEVENTEEN, यानी कि 17। फिर नेक्स्ट है, 10 का बंडल 8 स्टिक, 1 10 एंड 8 1s, 1 10 एंड 8 1s, 18, 1 8 18, EIGHTEEN, EIGHTEEN, 18। फिर नेक्स्ट क्या है, 10 का बंडल 9 स्टिक, यानी कि 1 10 एंड 9 1s, 1 10 एंड 9 1s, 1 9, यानी कि 19, 1 9, यानी कि 19, NINETEEN,
NINETEEN यानी कि 19। फिर 10 का बंडल 10 स्टिक, 110 and 10 ones यानी कि 20, 20 TWENTY 20। और यहाँ पे क्या लिखा गया है कि 110 and 10 ones का मतलब क्या होता है, 2 tens होता है, तो 2 tens यानी कि 20, यानी कि 20 को 2 tens भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से रिकॉल कर लेंगे, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यानी कि 2 tens यानी कि 20। तो इस तरह से हमने 11 से लेकर 20 तक के नंबर पढ़ लिए। अब हम क्या करेंगे, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। कौन से पेज नंबर पे है, 84 पेज नंबर के ऊपर। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, मैच द फॉलोइंग, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, यानी कि हमें ये काउंट करना है और उसको यहाँ पे जो नंबर लिखा गया है उससे मैच करना है। और फर्स्ट हमको करके दिया है कि यहाँ पे सेब कितने हैं, 13 है, तो यहाँ पे 13 में एरो कर दिया। अब हमें यहाँ पे हेड गिनने हैं, तो हेड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 10 लिखा गया है, यस, तो यहाँ पे हेड को 10 से एरो करना है। फिर यहाँ पे इमोजी दिए गए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो यहाँ पे 18 लिखा गया है, यस, तो यहाँ पे एरो करना है। फिर नेक्स्ट क्या है, फ्लावर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 फ्लावर्स है, तो यहाँ पे 20 है, यस, तो उसके ऊपर एरो करना है। क्या करना है, एरो करना है। फिर नेक्स्ट है बॉल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने बॉल्स है, 15, तो यहाँ पे 15 लिखा गया है, यस, तो यहाँ पे क्या करना है, एरो करना है। इस तरह से आप लोगों को ये काउंट करके उसके सामने एरो करने हैं। फिर सेकंड क्या है, कंप्लीट द टेबल, यानी कि यहाँ पे क्या करना है, टेबल दिया गया है उसको कंप्लीट करना है। कुछ यहाँ पे टेंस और वंस के फॉर्म में दिए होंगे, ये नंबर के फॉर्म में है और ये वर्ड के फॉर्म में है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, 110 and 7 ones, 110 and 7 ones को क्या बोलते हैं, 17, तो यहाँ पे वर्ड में तो लिखा गया है 17, तो 17 का सिंबल क्या है, 17। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे क्या है, 19, तो 19 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 110 and 9 ones, 110 and 9 ones। फिर नेक्स्ट क्या है, 110 and 4 ones, तो 110 and 4 ones को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 14 यानी कि 14, 14। फिर नेक्स्ट है 110 and 5 ones, उसको क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 15 का मतलब क्या होता है, 15, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 15, FIFTEEN 15। तो इस तरह से आप लोगों को भी एक्सरसाइज 1 है वो टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है।